ट्विटर पर ब्रह्मास्त्र का काफी जोरों से हो रहा बायकॉट और ब्रह्मास्त्र का ही नहीं बॉलीवुड की आने वाली हर फिल्म का बायकॉट हो रहा है। मैं ट्विटर पर सर्च करने वाला था बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र, लेकिन बॉयकॉट लिखते ही सर्च बार में बॉयकॉट विक्रम भेदा आ गई, तो मैंने उस वाले पेज को क्लिक कर दिया। तो उसमें भी हम देखे तो देख सकते हैं आप लोग, पूरी तरह से बायकॉट चल रहा है विक्रम भेदा का भी। अब लोग इतने ज्यादा भड़क गए कि बॉलीवुड की आने वाली हर फिल्म का बायकॉट कर रहा है। अब उसके रीजन दोस्तों आपको पता होगा, बॉलीवुड ने SSR का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। इसके अलावा बॉलीवुड के सारे एक्टर ही बेकार है, क्योंकि मुझे लगता है बॉलीवुड का कोई भी एक्टर हिंदुस्तान को सपोर्ट नहीं करता। इसलिए जो लोग हिंदुओं के हेटर है उन सबकी बॉलीवुड की फिल्में बायकॉट हो रही है, और धीरे धीरे मुझे लगता है पूरा बॉलीवुड बायकॉट हो जाएगा। आप लोग देख ही सकते हैं इस ट्रेंड पर, हर एक मिनट में बॉलीवुड के बायकॉट पर लोग ट्वीट कर रहे हैं। आप लोग देखते हैं बहुत सारे ट्वीट अभी अभी नए आए हुए हैं। आप लोग देखते हैं पूरा ही पेज बायकॉट से भरा पड़ा है। खैर ये तो था विक्रम वेदा के बायकॉट का ट्रेंड, बाकी अभी हम चलते हैं बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र के ट्रेंड पर। तो बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र के ट्रेंड पर आप लोग देख सकते हो लास्ट एक घंटे में 240 ट्वीट किए हुए, मतलब एक मिनट में कई सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं। और देखिए ब्रह्मास्त्र का आते ही बायकॉट शुरू हो गया है, पेज खुलते ही इनके पोस्टर पर बायकॉट लिखा रहा है, थिएटर खाली दिखा रहा है, सुशांत सिंह दिखा रहा है। जैसे ने जब सुसाइड किया था तब उसके साथ बॉलीवुड वाला एक भी खड़ा नहीं हुआ। मतलब दोस्तों अब धीरे धीरे मुझे लगता है बॉलीवुड का अंत आ गया है। अब ये लोग धीरे धीरे मुझे लगता है इनकी फिल्में सीधा ही OTT पर डालेंगे। इसी के साथ रणबीर कपूर का गाय का मांस खाने वाला वीडियो भी अभी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही फिल्मों के अपडेट और रिव्यू जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।